से 3 नोटिस के बाद क्या उनकी गिरफ्तारी अब हो सकती है? क्या देश के मेजोरिटी ऑफ वकील इस बात को कह रहे हैं, ये होगी जुडिशियल गुंडागर्दी, ये नहीं चलेगा। ये संस्थाएं देश की हैं, ये देश ने बनाई है, ये किसी की रखेल संस्थाएं नहीं है। जेल में डालने का किसको डर दिखाया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ है? कि जब ये बोलेंगे हमारे खिलाफ तभी इनको बदनाम करना है, तभी ये कोई रैली निकालेंगे, देश को जागरूक करने की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, तब इनको मुंह बंद करना है। दिस इज रॉन्ग। और ये कोर्टें देख रही हैं तमाशा, ये ठीक नहीं है। देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप भी कह रहे हैं सर कि भारत न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई तक कांग्रेस निकालने जा रही है जनवरी में, इसका डर है प्रियंका गांधी को जो चार्जशीट में शामिल कर दिया गया के बाद प्रियंका गांधी की मुश्किल बढ़ गई है, उनको भी जेल जाना पड़ सकता है? अरे जजों से, इस देश की जुडिशरी से, क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या देश के हालात क्या है? ये देश असली धार्मिक कंट्री है, धार्मिक का मतलब मानवतावादी कंट्री है ये, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब पता है आप लोगों क्या होता है? अरविंद केजरीवाल को तीसरी नोटिस दी गई है, 3 जनवरी को उन्हें फिर से तलब किया गया ईडी की ओर से, और इस मैटर पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं बीएस मलिक साहब, एडवोकेट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर क्या कहेंगे इस पर, तीसरी बार नोटिस दी गई है, अब क्या चारा बचता है इसमें? क्या कानूनी रूप से 3 नोटिस के बाद क्या उनकी गिरफ्तारी अब हो सकती है? क्या आप कहते हैं इस पर? देखो जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट आजकल चल रहा है और जिस हिसाब से ऑब्जेक्शन है काफ़ी वकीलों का समाज को कि इंटरप्रिटेशन किस तरह की हो रही है, इंटरप्रिटेशन किसी भी स्ट्रिंजेंट यानी जो कठोर कानून है उनकी इंटरप्रिटेशन भी हमेशा प्रो पीपल होनी चाहिए, लोगों के पक्ष में होनी चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संवैधानिक कोर्ट है, यानी संविधान में इनका जिक्र है इसलिए इनको संवैधानिक कोर्ट बोलते हैं। इनकी तो ड्यूटी है संविधान को बचाने की, और संविधान का बचाने का क्या, संविधान में बचाना क्या है? मेन कुछ भी बचाने की बात नहीं है, मेन बचाना है देश के लोगों के मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों के प्रति संजीदगी अगर नहीं दिखाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब ये हो जाएगा कि संविधान की हत्या। तो ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे कोई भी हो, आप लोगों को नोटिस भेजो, उनसे पूछताछ करो। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मुकदमे में कहा है कि जो ईडी में बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें गिरफ्तार किस वजह से किया है, और मुँह जुबानी अगर बता दिया वो भी चलेगा, बाद में लिखित दे देंगे, ये बिल्कुल एक तरह से बहुत गलत बात है जुडिशरी की साइड से। मैं इसको एक तरह से कहता हूँ जुडिशियल गुंडागर्दी। अगर लोगों के पक्ष में, लोगों के फंडामेंटल राइट को ध्यान में रख के आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, तो इसको मैं कहता हूँ और बहुत सारे वकील कहते हैं, देश के मेजॉरिटी ऑफ वकील इस बात को कह रहे हैं, ये होगी जुडिशियल गुंडागर्दी। जिस तरह से सरकार कई बार गुंडागर्दी करती है, जिस तरह से गलत काम होते हैं और लोग उसको सहन नहीं कर पाते, ये देश नहीं सहन कर पाएगा इस तरह की इंटरप्रिटेशन। जो इंटरप्रिटेशन देश के लोगों के अधिकारों के प्रति ना होके सरकार के या पुलिस के पक्ष में जाती है, वो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है, और वो संविधान की हत्या है, वो लोगों के मौलिक अधिकारों की हत्या है, वो लोगों को गुलाम बनाने की और देश को पुलिस राज्य बनाने वाली इंटरप्रिटेशन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उसमें चाहे कोई हाई कोर्ट हो, ऐसा इंटरप्रिटेशन करने दो बार में। तो बच गए केजरीवाल जी, उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया। बात नहीं बच, अब क्या लगता है कि जेल जाने का कभी भी उनके खिलाफ? इस देश का कोई भी आदमी कहीं भाग के जाएगा क्या? यहीं पे हैं। अगर आप इज्जत के साथ, ये मतलब नहीं है कि सरकार किसी से नाराज है तो ये एजेंसियां उसके प्रति कठोर हो जाएं, और सरकार जिसके प्रति नरम है वो उसके प्रति बिल्कुल कुछ ना करें, ये नहीं चलेगा। ये संस्थाएं देश की हैं, ये देश ने बनाई है, ये किसी की रखेल संस्थाएं नहीं हैं, किसी भी राज्य के किसी अंग की। ये संस्थाएं देश में व्यवस्था कायम रखने के लिए संस्थाएं हैं, ताकि पैसे का जो मामला है, जो ब्लैक मनी, वाइट मनी और पैसे का इधर से उधर घाल मेल, ये ठीक है पैसा देश में है या कहीं गया है, उसकी जांच आप जरूर करिए, मगर जांच करते वक्त 1% ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए किसी आदमी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं, किसी को जलील कर रहे हैं। इस देश का कानून, संविधान इस देश के किसी भी नागरिक की जलालत नहीं चाहता। ये सारे नागरिक मान सम्मान के हकदार हैं। किसी ने गलत भी किया है तो ठीक है, उसको कानून के सामने लाइए, मगर उसको प्रताड़ित करना, उसको जलील करना, क्योंकि आखिरकार सजा तो न्यायालय ने देनी है ना। फर्जी केस भी बनाए जा सकते हैं, बन भी रहे हैं,
इन केसों में बहुत 2-3% मुश्किल से लोगों को सज़ा होती है, मुश्किल से नहीं, ज़्यादातर केसों में कोर्ट इनको कहती तुमने गलत किया। अरे भाई, जब कोर्ट को पता है ये कि ज़्यादातर ये बदले की भावना सिर्फ पॉलिटिकल केसेज हैं, तो ऐसे में कोर्टों का इंटरप्रिटेशन क्या बनना चाहिए कि गिरफ़्तार करने से पूरी डिटेल बताओ क्यों गिरफ़्तार करें। अगर तुम क्यों गिरफ़्तार करें उसका जवाब कोई लोग पहले ही दे दें कि भाई आप जो गलत मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं, ऐसा मैंने किया नहीं, मेरे पास इसका ये सबूत है, तो लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। तो लोगों को जेल में डालने का, और जेल में डालने का किसको डर दिखाया जा रहा है? जो सरकार के खिलाफ हैं, जो अपोजिशन में हैं, जो सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं, और ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर या उसके बताते हैं पूंजीपति अडानी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनके खिलाफ़ ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। क्यों हो रही भाई? ये दिखाई नहीं देता क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को? ये दिखाई नहीं देता क्या बीजेपी के अंदर के लोगों को? ये दिखाई नहीं देता क्या संगठनों को जो अपने आप को देशभक्ति और वो बताते हैं देश को सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग और सबका ये और वो, ये बातें हैं क्या? दिखाई देना चाहिए आचरण में, वो आचरण में नहीं दिखाई दे रहा। और ईडी आईडी का अभी भी बता रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई यात्रा निकालने की कोशिश की, घोषणा कर दी, तो उधर से अब गांधी परिवार के भी किसी का नाम आया है, प्रियंका गांधी का या उसके हस्बैंड का। अरे भाई, तुम कहाँ बैठे इतने दिन से? प्रियंका हो, सोनिया हो, राहुल हो, कोई भी हो ना, अगर जिसने गड़बड़ की है तो उनको इस तरह से इंतज़ार करना है कि जब ये बोलेंगे हमारे खिलाफ़ तभी इनको बदनाम करना है, तभी ये कोई रैली निकालेंगे, देश को जागरूक करने की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, तब इनको मुंह बंद करना है? दिस इज़ रॉन्ग। और ये कोर्टें देख रही हैं तमाशा, ये ठीक नहीं है। देश की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आप ये कह रहे हैं सर कि भारत न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई तक कांग्रेस निकालने जा रही है जनवरी में, इसका डर है प्रियंका गांधी को जो चार्जशीट में शामिल कर दिया गया ईडी की? लोगों को अंदाजा तो यही लगा, डर क्या, यात्राएं तो सभी पार्टियों को निकालनी चाहिए हमेशा। पार्टियों का काम क्या है? देश के लोगों को जागरूक करना, देश और सरकार का भी काम है देश के लोगों को जागरूक करना। हम क्या तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्या हमने वादे किए थे, क्या निभाए क्या नहीं निभाए, ऐसी अपोजिशन को भी देश के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। क्या देश की समस्याएं हैं, सरकार क्या कर पा रही है, सरकार कौन सी पॉलिसी गलत लेके आई है, सरकार की किस पॉलिसी से किसी एक दो सेठों का भला हुआ है, देश का कैसे नुकसान हुआ है, देश के 90 करोड़ लोगों को आज तक क्यों उसके निःशुल्क राशन पर डिपेंड होना पड़ रहा है, ये देश के लोग नालायक हैं क्या, या वाकई इनके हकों को हकमारी हो रही है? तो ये तो स्पष्ट जाहिर है ना, देश में कभी जाति के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे लोगों को बांट बांट के वोटिंग करा के और जीतने का प्रयास है। ज़्यादातर नेता मुड़े हुए हैं, बैंडेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो लोग बोल नहीं पा रहे। अपोजिशन में तो अपने नेताओं का सफाया करना पड़ेगा, बहुत सारा खरपतवार है अपोजिशन में, तो खासतौर पर चार्जशीट में नाम आने के बाद प्रियंका गांधी की मुश्किल बढ़ गई है, उनको भी जेल जाना पड़ सकता है? अरे भाई, मुश्किल क्या बढ़ गई, अगर चार्जशीट में नाम है तो जेल में तो किसी को भी जाना पड़ सकता है। मैं तो ये कह रहा हमें उससे नहीं है कौन जेल में जाएगा कौन नहीं जाएगा, हमें है सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्टों से, जजों से, इस देश की जुडिशरी से, कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या देश के हालात क्या हैं, देश में क्या चल रहा है, जो बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो नहीं बोलता उनके खिलाफ कार्रवाई ठंडी कर दी जाती है, इवन उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है या कुछ और पद दे दिए जाते हैं। संसद में 146 सांसदों का निलंबन हो गया था अभी हाल ही में, आपने देखा विपक्ष की आवाज़ संसद में दबाई जा रही है लोग कह रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ईडी की कार्यवाही चल रही है और चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, तो ये तो देश भी तो देख रहा, देश तो बहुत आक्रोशित है इस बात से। अब देश आक्रोशित है, मगर जो लीडर हैं अपोजिशन के, जो अपने आप को बताते हैं विकल्प देश के सामने रखने की कोशिश करते हैं, उनमें से काफ़ी लोग कमज़ोर हैं, काफ़ी लोग कमज़ोर हैं। नए लोगों को स्थान मिलेगा तो अभी भी अपोजिशन के साथ देश है ये खड़ा, मेजोरिटी देश के साथ अभी है, क्योंकि देश अधिनायकवाद को पसंद नहीं कर रहा, देश को लग रहा है कि देश में शासन चल रहा है, डेमोक्रेसी नहीं चल रही, देश में अधिनायकवाद की ओर बढ़ावा दे रहा है कि एक मसीह आएगा देश को बचाएगा, ये जो बकवास को स्थापित करने की कोशिश हो रही है, जो गीता गवर्नेंस के नाम से भी यही कोशिश हो रही है, इवन राम मंदिर के उद्घाटन से भी यही कोशिश हो रही है। अरे राम प्राण प्रतिष्ठा का मतलब पता है आप लोगों क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है जो आदमी उस मूर्ति जैसा, जिसकी मूर्ति हम लगा रहे हैं, उस मूर्ति जैसा मेरा आचरण है, मैं उस मूर्ति ने जी के जो आचरण किया था, मैं उस तरह का आचरण वाला आदमी हूँ, वही तो आदमी प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब है, उस तरह से जीना। अब क्या इस देश में कितने लोग हैं जो अगर
राम को आदर्श पुरुष भी मानते हैं, उसके करेक्टर को आदर्श मानते हैं, कितने उस हिसाब से इस देश का कौन सा मंत्री संतरी या कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन चीफ जस्टिस उस तरह से जी रहा है, उसका आचरण दिखाई दे रहा है ऐसा कि उस तरह से आचरण है? अब तो बहुत क्वेश्चन मार्क उठने लगे हैं उद्घाटन पे भी कि सारे रंड मलंग लोगों ने नींव का पत्थर रखा है, इस देश की सनातनी परंपरा को धराशायी कर दिया, जिसमें पति पत्नी और परिवार के साथ लोग अच्छा शुभ काम करते हैं। यहाँ तो अशुभ हो रहा है, सारा कुछ अशुभ हो रहा है राम के नाम पे। नए युग की शुरुआत हो रही है सर, और आपने देखा कि संसद के लोकतंत्र को लोग बता रहे हैं खतरा, लेकिन वहाँ पर एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि एक जो है भगवान को स्थापित करने में, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसको दिखाने की कोशिश हो रही है। अयोध्या में बहुत बड़ा काम हुआ, ये असंवैधानिक काम हो रहा है। हमारा संविधान कहता है आस्था इंडिविजुअल मसला है, मगर राज्य की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है लोगों को जागरूक करना और साइंटिफिक टेम्पर यानी उनको क्यों और कैसे के जवाब और प्रश्न पूछने के हिसाब से जागरूक करना देश के लोगों को, ताकि वो अंधविश्वास से दूर रहें। यहाँ पे उल्टा अंधविश्वास की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश चाहता है, ये देश रिलीजियस कंट्री नहीं है, ये देश असली धार्मिक कंट्री है। धार्मिक का मतलब मानवतावादी कंट्री है ये। ये किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर का मोहताज देश नहीं है, ना कभी रहा। ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर वाले तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनका उनसे रोजी रोटी चलता होगा, ये उनका धंधा हो सकता है, ये देश का धंधा नहीं है। देश तो ये चाहता है कि भाई जो आदमी जी रहे हैं, जो 80-90 करोड़ लोग निःशुल्क राशन खाना पड़ रहा है, उनको जीने दो ना, उनके हकों की मारी क्यों कर रहे हो? लोगों के कुछ लोग कब्जा किए बैठे हैं सिस्टम पे, उन सिस्टम हटाओ ना, उस भागीदारी सबको करने दो ना। असली तो प्राण प्रतिष्ठा तो ये करनी थी। पत्थरों में प्राण होते हैं क्या? कभी हो सकते हैं क्या? इस तरह से ढोंगवाद की तरफ बढ़ावा देना है, वो भी 21वीं सदी में साइंटिफिक युग में, देश को बैकवर्ड बनाने की कोशिश है। इस ये देश वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकता है मानवता पे, न कि राम मंदिर के आधार पे। नहीं सर, इसमें आस्था लोगों की जुड़ी हुई, ऐसा कहा जा रहा है, बहुसंख्यवाद है पूरा, और जो जिसको बीजेपी ने कराया ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट ना चाहते अगर तो ये राम मंदिर नहीं बन पाता। अरे बीजेपी कैसे करेगी, लोगों ने कुछ साथ दिया तो वो सरकार में आ गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने उनको खुली छूट दे दी, कुछ भी गलत करो, कुछ भी गलत तरीके से करो, और सारा कुछ एक आदमी एक अधिनायकवाद से करवाओ। तुम नींव की पत्थर रखने में भी तुमने गड़बड़ की। इस देश में परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तभी जो वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है। पहले तो एक परिवार, फिर उसके ऊपर सारा वसुधैव कुटुंबकम, उसकी कोई बात है क्या? रंड मलंग लोग इसका पत्थर, नींव का पत्थर रखा, रंड मलंग लोग इसका प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जो अपने घर ही नहीं चला पा रहे, जो अब घर बसाए नहीं, वो परिवार को समझे क्या? वसुधैव कुटुंबकम की बात क्या करें? क्या बदलेगा इसके बाद अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है? उसके प्राण प्रतिष्ठा इसके बाद ये हो जाएगा कि देश, ये देश मूर्खों का देश है, ये मूर्ख देश है, जैसे कहते हैं सपेरों का देश, ये कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा का देश, जिनको जिंदा आदमियों की, जीवित आदमियों की कदर नहीं है, उनको दबाया कुचला जा रहा है, उनको जाति और रिलीजन में बांटा जा रहा है, और उनको हकों की हकमारी हो रही है, और पत्थर में प्राण डालने का अवैज्ञानिक और ढोंग हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीका, ये नॉनसेंस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और आपने अपना अमूल्य समय दिया जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।